को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया गया। ग्रैंड इवेंट के मौके पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नजर आई, तो वहीं स्टेज पर आकर अमिताभ बच्चन ने भी हम सब को एकजुट होने की बातें कही। देवियों सज्जनों नमस्कार, नमस्कार। ये इज अ यूनिक फीचर, वी जॉइन आवर हैंड्स एवरी टाइम वी डू अ नमस्कार। इट्स अ सिंबल ऑफ वननेस and the recognition that the divinity in me bows to the divinity in you. On this very day, ladies and gentlemen, at the same place last year, we pledged that we would never give shelter to terror, determined that this parasite called terrorism shall never breed in our homes. Today we want our dream to be realized, to reawaken to the power of love and of oneness. शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन मैं अपने संबोधन की शुरुआत पेंगुइन्स से करना चाहता हूँ। जी हाँ, पेंगुइन्स। एंटार्क्टिका में जहाँ सैकड़ों पेंगुइन्स अपने अंडे देने के लिए इकट्ठे होते हैं, उस वक्त वहां का तापमान शून्य से इतना नीचे चला जाता है कि जीवन का बच पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। सैकड़ों अंडों यानी पेंगुइन्स की लगभग एक पूरी पीढ़ी के समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में सारे पेंगुइन्स अपने अपने अंडों को बचाने के लिए एक साथ एक दूसरे से सट कर खड़े हो जाते हैं, ताकि उनके शरीर की गर्मी उनके होने वाले बच्चों की रक्षा कर सके और इतनी भीषण ठंड में वह स्वयं भी बचे रह सके। जब अपनी भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सारे पेंगुइन्स एकजुट हो सकते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। हम अपनी भावी पीढ़ी को एक भयमुक्त समाज देने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते? आज विध्वंस और विघ्न के संरक्षक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन विध्वंस का मुकाबला उससे भी बड़ा विध्वंस करके नहीं किया जा सकता। प्रलय का सामना महाप्रलय से नहीं किया जा सकता, इसका सामना किया जा सकता है एकजुटता से, वननेस से, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। विनाशकारियों का डर हमारे हथियार नहीं है, उनका डर हमारी ताकत भी नहीं है, उनका डर है हमारा एक हो जाना। उनके हमारे एक हो जाने में अपना विनाश नजर आता है, क्योंकि हम जब जब एक हुए हैं तब तब निर्माण प्रलय पर भारी पड़ा है। वो चाहते हैं कि हम टूटे रहें, बिखरे रहें, बटे रहें, कौम के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। लेकिन ये याद रहे कि जब तक हम बटे रहेंगे वो डटे रहेंगे। एक भूस का तिनका जब गीला होता है तो हवा का झोंका उसे मीलों दूर उड़ा कर ले जाता है, लेकिन उसी भूस के तिनके को जोड़कर जब उसकी रस्सी बनाई जाती है तो वो मजबूत रस्सी एक विशाल प्रबल हाथी को भी बांध देती है। ये होती है बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया पूरी कर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।